झारखंड के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में भी झमाझम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश साहिबगंज जिले में हुई, जहां 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। डाल्टेनगंज सबसे गर्म इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान देवघर में रहा, जहां 23.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अब बात आने वाले मौसम की करें तो झारखंड वासियों को अगले 4 दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का असर झारखंड पर बना रहेगा, जिसके चलते पूरे राज्य में बारिश और वज्रपात का दौर जारी रहने का अनुमान है। हालांकि आगामी 4 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। इन जिलों में रहे सावधान, जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने गुरुवार यानी राज्य के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। गढ़वा, पलामू, चतरा और लोहरदगा, इन जिलों में बारिश की संभावना कम है, लेकिन यहां तेज गरज के साथ बारिश का खतरा बना हुआ है। इन जिलों के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की भी चेतावनी दी गई है। लिहाजा लोगों को सलाह दी जाती है कि वह अगले कुछ दिनों तक सावधानी बरते और घर से बाहर निकलने से बचे। आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम? देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गुड्डा, जामतारा, पाकुड़, साहिबगंज अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस।